पकड़ के लाओ, अगर मिल जाएंगी ना तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। भाग जाएंगे। तो फिर कमेंट के भैया आपने तो गलत बोल दिया आपने। मैंने गलत बोल दिया? बोल दिया गलत, क्या कर लोगे? बोल दिया गलत, जाओ क्या करोगे? तो यार मुझे एक बात बताओ, मेरे को थोड़ा लंच में बैठता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यार पहली बात तो आप लोग मुझे बताओ, मैंने हाल ही में मतलब कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी डाइंग एक्वेरियम हॉबी, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से हमारी जो एक्वेरियम हॉबी है वो खराब हो रही है, पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे मयूर ने बात किया था उसके बारे में, तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी, उस पर बात की थी, और हमने कहा था कि एक्वेरियम हॉबी को बचाओ। वो चीज़ों काफ़ी लोगों ने देख के शायद कुछ समझा कुछ जाना, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ उन लोगों ने अभी तक नहीं समझा। तो यार ये हो गया है डाइंग एक्वेरियम का पार्ट टू वीडियो भी बोल सकते हो, या फिर सीधा सीधा बोलूँ तो आज की वीडियो में ये डाइंग एक्वेरियम हॉबी का ही वीडियो है। बट आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका मैंने चैनल पिकअप किया है हाल ही में। बहुत सारे इससे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, काफ़ी मेरे मतलब मेरे शायद मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझसे बोला है कि इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो यार फाइनली देखो यहाँ पे मैं एक परसेंटेज दिखा रहा हूँ आपको, इतने लोग ने मैंने इनको पोस्ट डाली थी और मैंने पूछा था क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, जरूरी है बनाओ, तो वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक मतलब एक्वास्केपिंग के जाने माने क्रिएटर के बारे में, पेट्स मैन करके एक क्रिएटर है जिनके भी हाल ही में 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। कुछ काफी अच्छा चैनल है, बड़ा चैनल है, बट अगर यहाँ पे मैं उनकी नॉलेज की बात, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, करूँ उनका जो भी मतलब बताने तरीका या फिर जो भी उनके ऑडियंस की बात करूँ, यार उनकी नॉलेज की, चलो ऑडियंस की तो उतने बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑडियंस हमारी है, हमें उनको जो हम जैसा हम उनको बताएंगे वैसे वैसे ऑडियंस को समझता है चीजें, तो ऑडियंस की इतनी गलती नहीं मैं निकालूंगा। बट उन लोग से बोलना मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो भी आप पेट्स मैन के ऑडियंस हो थोड़ा सा इस चीज को समझना। आज जो मैं बात बताने वाला हूँ, समझो मैं 7-8 साल से एक्वेरियम हॉबी में हूँ, मैंने एक्वेरियम हॉबी सीखी है, इसके बारे में जानता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मैं इंस्पायर हूँ, मयूर देव सर, MD किस्टैंग, एक्वेरियम हॉबी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर लोगों से मैंने एक्वेरियम हॉबी सीखी है और मैं जानता हूँ कुछ तो भी एक्वेरियम हॉबी के बारे में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरा चैनल भी पूरी तरह से डेडिकेट इसी चीज़ के ऊपर है। बट अगर आप पेट्समैन के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये बात बुरी लग रही है, बट वीडियो पूरा देखना, हो सकता है मैं आपको कुछ समझाएं कुछ करो आपको समझ में भी आए, समझ में आएगा, थोड़ा सा वीडियो देखो बस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखो मैं आपको साइड में एक चीज दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। मैंने पेट्समैन को पहले ईमेल भेजा, मतलब मैंने उनको ईमेल टाइप किया और ईमेल भेजा था कि आप जो भी ये चीज कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, तुम ये जो भी चीज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो चीज जैसे हमारा एकदम हॉबी खराब हो रहा है। और शायद मेरे बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर्स हैं शायद अभी उनके पास उतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम एक हॉबिस्ट है, एज अ हॉबिस्ट अगर कोई चीज गलत देख रहे हो उसके ऊपर बोले भी ना, ये तो अच्छा नहीं है ना। अगर मैं एक हॉबी में, अगर मेरा हॉबी खराब हो रहा है, कल चल रही है, तो मैं उसके बारे में तो बात जरूर करूंगा, भले ही बुरी लग सकती है बट बात सच है, कड़वी है पर सच है। तो देखो मैंने उनको यहाँ पे ईमेल भेजा था, मैंने कहा था कि जो भी ये चीजें कर रहे हो वो चीज़ या तो करना बंद कर दो या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे से बात करो वीडियो कॉल पे डायरेक्टली क्लियर करो कि ये चीज क्यों कर रहे हो। अगर तुमको सिर्फ व्यूज ही कमाने तो सिर्फ व्यूज कमाओ, सब्सक्राइबर व्यूज अगर यही सब चीजें कमानी है फालतू वीडियो बना के, तो और भी वीडियो बनाओ, दूसरी वीडियो बनाओ, जो वीडियो बनाने बनाओ, फिर इसका वीडियो बनाना बंद कर दो। मैं उनसे डायरेक्टली यही बोलने वाला था, या फिर हो सकता था अगर वो वीडियो कॉल पर मेरे से बात करने आता तो मैं डायरेक्टली उससे बोलता कि भाई देख तू ये जो भी चीज कर रहा है ये चीज पूरी की पूरी गलत है, यहाँ पे ऑडियंस को चूतिया बना के सब्सक्राइबर कमाना, एक्वेरियम हॉबी के नाम पे तू एक्वेरियम हॉबी खराब कर रहा है। मैं लिटरली बताऊँ ये चीज सुन के देख मेरा सर ऐसे दुखने लग गया। जब मैंने चैनल को रिव्यू किया, वीडियोस देखी, तो सब लग रहा सर बहुत ये पकड़ लिया मेरा। क्या मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था डाइंग एक्वेरियम हॉबी, एक्वेरियम हॉबी बचाओ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्वेरियम हॉबी को उड़ाओ, मतलब तबाह करके रख दिया यार, क्या बना रहे, क्या मतलब कंटेंट पे कुछ भी बना लो, कंटेंट पे कुछ भी पब्लिक चूतिया है, चूतिया बनाओ, बन जाएंगी चूतिया, है ना। देखो आज थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, पर देखो जो कड़वा बोलता है ना वो सच होती है, मीठी बातें करके सच्ची बातें नहीं निकलती मुझसे, कड़वी है पर सच है, समझो इस चीज को।
और इस चलते ना हमारा विक्रम हॉबी खराब हो रहा है पूरी तरह से। हो सकता है आगे चल के ना विक्रम हॉबी कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसे वीडियो देख के जो आप इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वीडियो देखोगे और इंस्पायर होंगे, तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? आपको हॉबी सीखने मिल रहा है? आप विक्रम हॉबी सीख रहे हो क्या? आपको पता ही नहीं है विक्रम हॉबी होती क्या है। देखो यार, कोई दिल में उनके लिए हेट नहीं है, वो अच्छा काम करो बुरा काम करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर विक्रम हॉबी से खराब हो रही है तो मुझे मतलब है, मैं इस चीज पे बोलूंगा, बाकी लोग बोले ना बोले पर मैं बोलूंगा। एक और देखो, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो, इस भाई ने भी इनके ऊपर एक वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, एक्सप्लेन पे अच्छे से किया है। चाहो तो ये वीडियो जाकर मेरे वीडियो बाद उनका वीडियो जाकर देख सकते हो, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो देखो यार, पहली चीज तो ये चीजें मत करो, ये चीज करना बंद कर दो अभी से। ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये गलत चीजें बता के क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बच्चों को बता के? एक हॉबी खराब करके क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो एक हॉबी खराब? बता दो। चलो याद रखो, हो गई बात इनकी। दूसरी बात, अब मैं इनकी कुछ फैक्ट्स पे आता हूँ, मतलब फैक्ट बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इतना क्यों बोल रहा हूँ, सच्चाई सुन लो। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक तो इनकी ऑडियंस जो भी है वो बहुत ही कम एज का है, मैच्योर नहीं है, इस वजह से उनके ऑडियंस को नहीं पता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। दूसरी बात कि वो आए, मतलब जैसे आए यार, जैसे वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो आज मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलने आए और मुझे बहुत सारी फिशेस गिफ्ट दी। सुबह होते ही मेरा क्यूट सा सब्सक्राइबर आया मेरे लिए फिशेस लेकर, मैंने इनसे फिशेस ले ली और टैंक में डाल दी। थोड़ी देर बाद चार पांच सब्सक्राइबर और आए, ये भी मेरे लिए फिशेस लेकर आए थे, मैंने इनसे फिशेस ली और अपने टैंक में डाल दी। फिर एक दो घंटे बाद मेरे एक और सब्सक्राइबर आए, ये भी मेरे लिए फिशेस लेकर आए थे, मैंने इनसे फिशेस ली और अपने टैंक में डाल दी। एक डेढ़ घंटे बाद मेरे तीन सब्सक्राइबर आए, ये भी मेरे लिए फिशेस लेकर आए थे, तो मैंने इनसे भी फिशेस ले ली। देखा, मतलब बंदा मतलब क्या कर रहा है? देखो खुद समझ में आ रहा है, ये वीडियो देखने से समझ में आ रहा है बंदा क्या कर रहा है। अपने खुद के मतलब जो उसके पास के जो खुद के गल के लोग हैं, उसको बच्चों को क्या करता है, एक कुछ तो भी नया फीस दे देगा, कुछ नया डब्बा दे देगा, कोई भी नया प्रोडक्ट दे देगा और बोलेंगे भाई इसको मेरे घर पे लेके आ जाओ, मुझे वीडियो बनाना है ऐसे, बस और वीडियो बना देता है। व्यूज से मतलब है, बाकी सब चीजें भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यूज से मतलब है। वाह क्या टैलेंटेड है, सिर्फ व्यू से मतलब है, बाकी कोई चीज से मतलब नहीं है उनको। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया, की मूर्ति बननी चाहिए। यहाँ पे इनकी जो भी ऑडियंस है वो मैच्योर नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे को ये सब चीजें सिखा के क्या मिलने वाला है? व्यूज मिला के थोड़े से पैसे कमा लोगे, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, करते रहो। अगर मेरे वीडियो देखने से कुछ समझ में आ रहा है तो वो चीज करना बंद कर देना आज से। और जो उनकी ऑडियंस है, जो उनको सपोर्ट कर रही है, मैं बोलना चाहूंगा सपोर्ट मत करो। अगर आपको सच में एक्वेरियम हॉबी सीखनी है ना, तो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे हॉबीज भी है हमारे एक्वेरियम में। आप एमडी फिश टैंक से देख के सीख सकते हो, मयूर एक्वास्केपर से जाओ, उनका भी चैनल देख के सीखो। टेरेरियम के बारे में सीखना चाहते हो, बहुत सारे टेरेरियम के चैनल है, अच्छे अच्छे चैनल है। यहाँ पे एक्वेटिक मीडिया है, एक्वेरियम हॉबी है, एक्वेरियम वर्ल्ड है, यहाँ पे बोले इंडियन एक्वा बॉय। अगर आपको बता रहा, अगर आपको टर्टल के बारे में सीखना है, टर्टल्स के बारे में सीखना चाहते हो, इंडियन एक्वा बॉय से सीखो, काफी अच्छा नॉलेज देते हैं। मतलब देखो, जो आपको अच्छा नॉलेज दे रहा है ना, उससे सीखोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ये सब चीजें देख के ना आपको कोई मतलब नहीं आने वाला है। और आए दिन भैया के नए सब्सक्राइबर आया, भैया मैं आपके लिए ये फिश लाया, ये फिश लाया, पेट्समैन पेट्समैन ने आपके लिए ये फिश लाया, वो फिश लाया, वो फिश लाया, ये फिश लाया, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये फिश गिफ्ट किया। अभी मैं गेट खोला, मेरे सब्सक्राइबर आया, इन्होंने मुझे ये फिश गिफ्ट किया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से देखा, फिर से एक सब्सक्राइबर आया, फिर उन्होंने गिफ्ट, मतलब सब्सक्राइबर आते रहते, उनको गिफ्ट देते रहते अलग अलग। जो गिफ्ट जो पेट्समैन खुद उनको खरीद के दे रहा है, ये तो पहली चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ कि वो खुद से खरीद के देता है, क्योंकि वो लोग आपको खुद से ला के देते नहीं है, क्योंकि ये खुद उन्होंने वीडियो बनाया हुआ वीडियो है, ये कुछ भी ऐसा है नहीं, रियलिटी कुछ नहीं है, खुद से ही वीडियो बनाया हुआ वीडियो है, फेक है पूरी तरह से। खुद बच्चे का से लाला की अपने इसके बना के चैनल का ये कर रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये देख लो, बहुत ही जरूरी बात। अगर आपको वाटर चेंज करना नहीं आता है, अगर आपको वाटर चेंज करना नहीं आता है तो पेट्समैन से सीख सकते हो, वाटर चेंज करने का सही तरीका बताते हो पेट्समैन आपको। यार इसके अंदर टब में ना स्मेल आ रही है हल्की हल्की सी, तो स्मेल तो आएगी, गंदा हो रहा है ना पानी, जल्दी से बदल इससे करके देखो, नेट से पहले नेट से करके देख, नेट से मैं नेट घुसेगा ही नहीं यार इसमें, तो नेट रहने दे फिर, जल्दी से वैसे पलट दे फटाफट। तो बड़ा भारी है भाई, बहुत भारी हो रहा है भाई, ये पूरा आ गया क्या? एक तो पहले से ये बॉल है, कुछ बॉल या कुछ भी ऐसा जार टाइप रखा है,
ऊपर से फिश नेट से निकाल रहे हैं, नेट से नहीं जा रही है, तो आप हाथ से भी तो ऐसा पकड़ पकड़ के निकाल सकते हैं, क्योंकि आराम से अलग करके रख सकते थे, बट नहीं, पकड़ो, डालो डालो, पूरा डालो, जोर से डालो, पानी डालो। सही तरीका है फिश का, और पूरा जो चिंग होता ना, इसका चिंग का एकदम सही तरीका है। बाद में अच्छे से घसो, चमक गया पानी, उठाओ बर्नी रख दो और दिखा दो भाई, लो बन गया, वाटर चेंज हो गया। अगर सच बता रहा, इससे अगर सीखना चाहते हो तो जरूर सीखो, पर कुछ नहीं मिलेगा सीख के, पूरा बर्बाद हो रहे हो, लिटरली बता रहा, ये चीज देख के बर्बाद हो रहे हो। देखो यार, इस तरह से वाटर चेंज तो नहीं होता है, ऐसा वाटर चेंज नहीं होता। अगर आपके पास में स्मॉल बेबी साइज फिशेज भी है ना, तो उनको बहुत ध्यान से वाटर चेंज करना पड़ता है। ऐसा पकड़ के ऐसा पलटा दोगे ना, तो इससे वाटर चेंज नहीं होता है, फिशेज मर सकती है, चीज को समझो, ठीक है, ऐसा वाटर चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरी बात पे बात कर ले, तो एक वीडियो देखो भाई, एक वीडियो देखो। पता तो मेरी नजर इन भाई पर पड़ी, ये जिंदा मछलियां काट कर बेच रहे थे। मैंने सोचा मैं भी अपने लिए फिश ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि बड़ी मछली लेकर आओ, तो मैं इसमें से अपने लिए मछली ढूंढने लगा। इसमें ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट मछलियां थी, फिर मेरी नजर गोल्डन फिश पर पड़ी। मैंने इन भाई से कहा, यहाँ से फिश मार्केट गए थे भैया, बैट्समैन हमारे यहाँ से फिश मार्केट गए, और फिश मार्केट जाके उन्होंने क्या परचेस किया, मतलब परचेस उनको इतना बड़ा एक्स्ट्रा वो दिख गया, और वहां पे उनको दिखा एक बड़ा सा गोल्ड फिश, बड़ा साइज का गोल्ड फिश दिख गया। लिटरली बता रहा हूं, क्या फिश मार्केट में गोल्ड फिश बिकता है, क्या चूतिया समझ रखे है? सही से बताओ, फिश मार्केट जाओगे आप, अभी इतना फिश मार्केट गए हो आप, उस फिश का एक काम करो, यहाँ पे देखो मैं फोटो लगा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप देखो इसका, आप क्या करो, गूगल पे जाओ, गूगल लेंस पे इसको स्कैन करके देखो, ये फिश कौन सी है, गोल्ड फिश है, बिग साइज की गोल्ड फिश बोलते हैं, या फिर कोई कार्स में आ जाएगी, ठीक है, तो कोई कार्स या गोल्ड फिश को कौन बेचता है, ये मार्केट में फिश बिकती नहीं है यार, कॉमन सेंस की बात है, क्या मार्केट में ये फिश बिकेंगी, क्या इसको गोल्ड फिश को लोग काट के खाते हैं, कभी देखा आपने मार्केट में, कभी नहीं दिखाऊंगा, तो फिर कहां से आ गई गोल्ड फिश, उड़ के आई क्या पानी में? इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुरा लग रहा है इन चीजों को देख के, जो चीजें मिलती नहीं है, गोल्ड फिश कहां से मिल जाएंगी नेचर में यार, हंट करके लाऊंगे, पकड़ के लाऊंगे, फिशिंग करके लाऊंगे गोल्ड फिश को, कहां से फिशिंग करके लाऊंगे गोल्ड फिश को, कहां से लाऊंगे गोल्ड फिश, फिश को बताओ, गोल्ड फिश मैनमेड है तो नेचर में कहां से मिलेगा, इसको मैन ने अपने जैसे कोई कार्प्स को ब्रीडिंग करा के क्रॉस करा के गोल्ड फिश बनाया था, ठीक है, क्यों बनाया था, जापानीज़ ने बनाया था कई साल पहले, बड़े बड़े पॉन्ड्स में रखने के लिए, फिश पॉन्ड में रखने के लिए घर के बाहर गुल्लक के लिए, जब ये फिश मैनमेड है तो कहां से पकड़ के लाऊंगे, नदी में से, नदी में मिलती है फिश, अरे इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि फिश नदी में नहीं मिलती, नदी से कहां पकड़ के लाऊंगे फिशेज को, तो पागल मत बनो, ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस मत लो, इंस्पायर मत हो, दिमाग लगाओ, ऐसे ऐसे मत छुतिया पर बनो, समझ रहे हो, इससे सच बता रहा हूं, बर्बाद हो रही है तुम्हारी वजह से, चीज को समझो, करना बंद करो इस चीज को, जो फिश मैनमेड है उसको तुम कहां से पकड़ के लाओगे, हंट करके लाओगे, फिशिंग करके लाओगे, मिलती ही नहीं है, जाओ पकड़ के लाओ, अगर मिल जाएंगी ना तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। आपको बता रहा हूं, अगर गोल्ड फिश ऐसा रिवर्स में मिलता है ना इंडिया के, तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा यूट्यूब का, ठीक है, मैं मान लूंगा कि मैंने इकोनॉमिक में कुछ भी नहीं सीखा, और मैं ये चैनल ना जो रोहित ब्लॉग जो चैनल बना रहा हूँ ना, ये चैनल ही बंद कर दूंगा, अगर गोल्ड फिश मिलती होंगी तो बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट करके बताना। यहाँ पे एक वीडियो और देखो, आज मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे फिश फूड गिफ्ट करा, देखो ये मेरे पास आए और मुझे ये देने लगे। मैंने इनसे पूछा, भाई ये मुझे क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने कहा, भाई मेरे पास ऑस्कर फिश है, वो ये नहीं खा रही, ये आप ले लो, ये मैंने। इस वीडियो में क्या हो रहा है कि उसका मतलब उनका एक सब्सक्राइबर आता है, भैया ये फिश फूड मेरा ऑस्कर नहीं खा रहा है, इसको आप रख लो, फिश फूड ये ऑस्कर नहीं खा रहा है, इसलिए आप रख लो, है ना, मतलब वो फिश फूड को रिव्यू मैंने देखा, देखो एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, ये वो फिश फूड है जो वहां पे खिलाया जा रहा है, और ऑस्कर खा भी रहे अच्छे से, तो फिर ये अगर ऑस्कर खा रहे उस फिश फूड को, तो फिर इस भाई ने कैसे बोल दिया कि वो फिश फूड खा ही नहीं रहे ऑस्कर, जब उसका इतना अच्छा रेटिंग है, इतना अच्छा रिव्यू है, कम प्राइस में भी आता है, अच्छा भी है, प्रोटीन सोर्स भी अच्छा है काफी, तो फिर ऑस्कर क्यों नहीं खा रहा है, ऑस्कर तो सब खाते हैं, यहां पे देख सकते हो ऑस्कर तो खा रहा है नहीं। वीडियो बनाने से मतलब भैया कुछ भी वीडियो बन जाए चलेगा, बस वीडियो बनाओ,
पब्लिक को चूतिया बनाओ, ऑडियंस चूतिया है करेंगी। आप जितना चूतिया पाओ इंटरनेट पर, मतलब आज का डेट में ऐसा यार कि अगर कोई नॉलेज अच्छा देगा ना आपको, तो आप उसका चैनल को सब्सक्राइब करके या उसका चैनल को नहीं देखने वाले हो, पर जो इस तरह से चूतिया पे दिखाएंगे ना 100% आप उसका चैनल देखने वाले हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे चूतिया ही बिकता है, जो बता रहा रियलिटी बता रहा सच यार, बुरा लगता है चीजों को देख के। इतने अच्छे अच्छे हॉबीज थे, क्यों नहीं मई दोस्तों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगी, क्यों ना बड़े बड़े हॉबीज के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगी। इससे भी बड़े चैनल रखे हैं यहाँ पे अभी तक, भैया के पास में तो अभी जीरो नॉलेज है फिश, अभी आप जो बोल रहे हो पेट्स में इसका नॉलेज बता रहा लिटरली जीरो है अभी। थोड़ा बहुत फिश का हल्का फुल्का नॉलेज होगा भाई, उस पर चल रहा है, बस चल रहा है चल रहा है, बाकी उसको और कुछ नॉलेज है नहीं। अगर होता तो अभी जैसे बोले कि अभी मई दोस्त सर हो गया, फिर MD फिश टैंक हो गए, या फिर और भी हॉबीज के चैनल देख लो, एक्वेटिक चैनल देख लो, एक्वेटिक मीडिया के चैनल देख लो, कितना अच्छा भाई समझाता है। क्यों ना 1 मिलियन हो जाते हैं कब का, पर नहीं क्यों नहीं हो रहे पता है क्यों? चूतिया पे नहीं बताते इंटरनेट को लोग, चूतिया पे नहीं बताते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अच्छा गुड कंटेंट बना रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, उसी साथ में अच्छा ऑक्वेरियम हॉबी किस तरह से रखी जाती है, प्लांट कैसे रखते हैं, फिश कैसे रखते हैं, डीवाई चीज क्या होती है, मेरा चैनल देख लो, ऐसा चूतिया पे नहीं मिलेंगे। इसी चीज की वजह से तो इंडिया में ऐसा है, ये चीज ही आप समझ नहीं पा रहे हो, तो बस बोलना इतना है, थोड़ा समझो चीज को, ठीक है। अगर आपकी फिश मर रही है, ठीक है, अगर आपकी फिश मर जाती है, मर रही है और वो प्रेग्नेंट हो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? पेट काट देंगे, बच्चे निकाल देना, फिश को काटते हैं उसमें से बच्चे निकाल दे, पूरे बच्चे बचा लेंगे, चलो एक दो ही बच्चे बचा लेंगे, पर काटते तो है, डॉक्टर बनते ना हम, डॉक्टर है ना, डॉक्टर हो आप, डॉक्टर हो, डॉक्टर तो नहीं हो, डॉक्टर हो क्या? जब आप डॉक्टर नहीं हो तो यार अगर आपकी फिश मर गई, अगर हम एक्वेरियम हॉबीस्ट है या एक्वेरियम है जो भी है, एक बात समझ के देख लो कि अगर ये चीज इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो अभी तक जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है इन्होंने फिश को काट के क्यों नहीं दिखाया? वो भी फिश को काट के दिखा सकते थे, फिश का पेट काट के दिखा सकते थे, भाई देखो बच्चे निकाल रहे, ये सुन कर ले, वो क्यों नहीं कर रहे फिर ये चीजें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये चीज गलत है, टोटली रॉन्ग, गलत है ये चीज। क्यों पता है? अगर हम कोई पेट्स को पालते हैं तो क्या वो मरने के बाद हम उसको काट सकते हैं क्या? आप काटोगे अपने पेट को? तोता रख लो, बिल्ली रख लो, कोई भी रख लो, कुछ भी जानवर से, कोई भी जानवर हो जाए XYZ, फिश ही क्यों ना हो, क्या काटोगे उसको, देखोगे काट के क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है? डॉक्टर नहीं हो ना, पर पेट्समैन भैया तो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना, है ना, एक हॉबी के नाम पे कुछ भी बनाओ कंटेंट, काटो पीटो कुछ भी बनाओ, ऑडियंस चूतिया है जैसा मर्जी घुमाओ, बनाओ व्यूज तो आएंगे ही, यही चीज तो हम भी कर सकते हैं व्यूज के लिए, पर नहीं करते ना, हॉबी खराब हो रहा है, आप समझ नहीं रहे और हॉबी खराब हो रहा है। अगर आपकी फिश मर जाती है तो प्लीज उसको गाड़ दो, उसको जमीन में गड्ढा करो और उसको गाड़ के मट्टी डाल दो, ठीक, बट क्या उसको निकालो, काट के तो वीडियो बनाना जरूरी था, तो काट के निकाला, बस बच्चे बच गए भाई, वेरी गुड, मजा आ गया, पूरे बच्चे बच गए हैं, एक नंबर, मजा आ चुका है, मजा आया ना देखने में, तभी तो वीडियो कितने लाइक कर रहे हो, तभी तो व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि भाई मजा आ रहा है ऐसे वीडियो देखने में लोगों को। पर क्या चीजें सही है ना, वो चीज आपको दिख नहीं रही है, तो वो चीजों को समझो और ऐसा करना बंद करो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक बॉल लिया, इनका एक कमेंट आया था, ऐसा नहीं बोल सकते भैया ने चीज करके दिखा दिया, बट कमेंट आया था कि मैं अपने फिश बॉल को हर 2-3 घंटे में पानी रख देता हूँ ताकि वो पानी गर्म हो सके, मैं अपने फिश बाउल को गैस पर रख देता हूँ ताकि फिश इसको ठंड ना लगे, ऐसा इंस्टाग्राम पर मेरे पास कमेंट आया। देखो भाई मैंने बाउल में फिश रखी है, मैं हीटर यूज नहीं करता, हर 2-3 घंटे बाद बाउल को चूल्हे पर रख देता हूँ और चूल्हे को चालू कर देता हूँ 2 मिनट के लिए ताकि फिश इसको ठंड ना लगे। ये सब मत करो भाई, मछली फिश का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, गर्म हो सके, तो यहाँ पे भाई उसको कमेंट करके बोल सकता था, पर नहीं, कंटेंट मिल गया, बनाओ वीडियो, लिया फिश बॉल उठाया रख दिया गैस पे। अब काफी लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे भाई उसने ये सिर्फ दिखाने के लिए किया था, दिखाने के लिए भी किया था क्यों? अगर कोई उसका जो भी अभी कम एज के जो भी देख रहे हैं, उसके जो मेच्योर ऑडियंस नहीं है, अगर वो बच्चे देख लेते हैं उसने एक्चुअली हीटर लगाया था फिश बॉल में, ठीक है, बट अगर कोई जिसको हीटर नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? वो तो यही तरीके से रखेगा ना फिश बॉल को, टैंक थोड़ा रखेगा, क्या होगा वो, क्या होगा 1-2 मिनट के लिए रख लेता हूँ फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा, फिश बॉल फूट जाएगा। ज्यादा अगर गैस पर रख दिया ना, एक तो फिशेस मरेंगे तो जान दो,
फिश बॉल फूटेगा और जो बच्चा ये कर रहा होगा ना उससे घर में क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे आपको पता नहीं है, ये चीज कितना गलत बता रहे हो और इससे कुछ नहीं होने वाला, एकदम हॉबी खराब होंगी। और पता है क्या होगा बाद में, लोग एक्वेरियम हॉबी चैनल का देखना ही बंद कर देंगे टोटली ये सब चीज से, पता है। पर ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि व्यूज मिल रहे हैं यार, लाइक मिल रहे, सब्सक्राइबर मिल रहे, व्यूज मिल रहे हैं तो क्यों ना करें, करेंगे इंटरनेट पे जितना हो सके उतना चूतिया पर फैलाएंगे, करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। उसी बात देखो भाई, एक मैं अब बहुत हो गया, ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, बट एक आखिरी सजेशन दे के जाना चाहूंगा, पर ये एक वीडियो देख लो। जहाँ पे भाई हमारे गए रिवर्स में, कहा गए रिवर में चले गए, रिवर में फिशिंग करने चले गए, वहां पे क्या देखे, वहां पे भाई बोला बहुत झुंड है, झुंड है, पकड़ो पकड़ो झुंड झुंड झुंड, तो मेरे को दिखा नहीं, एक मच्छी दिखी गलती से, एक मच्छी, झुंड नहीं दिखा मुझे, एक मच्छी दिखी गलती से, वो भी कौन सी मच्छी, ग्लोफिश, ग्लोफिश। सोचो अगर कलरफुल जेब्रा डॉलर्स भी डाल देता ना तो भी मैं तेरा वीडियो बनाता, या तो ग्लोफिश डाला है, ग्लोफिश नेचर में नहीं मिलता है, पहली चीज समझो इस चीज को, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, अब रीजन सुनो, देखो ग्लोफिश बना कैसे समझ लो, नहीं तो आप बोलोगे फिर कमेंट के भैया आपने तो गलत बोल दिया, गलत बोल दिया आपने, मैंने गलत बोल दिया, बोल दिया गलत, क्या कर लोगे, बोल दिया गलत, जाओ क्या करोगे, नहीं ना, सुनो रीजन सुनो क्यों बोल रहा हूं, जो आप बोले ना वीडियो टेट्रा स्कर टेट्रा, जो ग्लोफिश बना कैसे, आप सुनो, ये वीडियो टेट्रा स्कर टेट्रा थे ना, काफी टाइम पहले अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या हुआ, जेब्रा डॉनियर्स का क्रॉस ब्रीडिंग करा के, कलर का क्रॉस ब्रीडिंग करा के साइंटिस्ट लोगों ने पानी का क्वालिटी अच्छा या खराब है वो चेक करने के लिए उसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया ग्लोफिश, बनाया कलर्स बनाए गोल्डफिश में, नेचुरली था क्रॉस ब्रीडिंग कर, बस क्रॉस ब्रीडिंग करके, जेब्रा डॉनियर्स का क्रॉस ब्रीडिंग करके और उसका टेट्रा क्रॉस ब्रीडिंग करके इन्होंने ग्लोफिश बनाया, ठीक है। क्यों, पानी का क्वालिटी देखने के लिए, अगर पानी का क्वालिटी खराब है तो ग्लोफिश का भी जो कलर है वो कम होगा, ऐसा होगा, खराब होगा, ये चीज देखने के लिए बनाया। बट एक चीज बता दूं, ये चीज नेचर में ग्लोफिश नहीं मिलता है, नेचर में ग्लोफिश नहीं मिलता है, पहली बात समझो, ठीक है। नेचर में कौन सा फिश मिलता है पता है, स्कट टेट्रा मिलेगा, वो कौन सा, स्कट टेट्रा, जो देखो कलरलेस दिखाई थोड़ी कर, कलरलेस ये मिलता है नेचर में, ग्लोफिश नहीं मिलता नेचर में, पागल मत बना लोगों को। अभी बोलो कमेंट के नीचे, मैं गलत बोल, बोलो नीचे कमेंट करो जल्दी जल्दी से, और बोलो भैया तुम गलत बोल रहे हो, साबित करके दिखाओ मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैंने तो बता दिया कैसे मिलता है, अब तुम साबित करके बताओ कि ग्लोफिश नेचर में कैसे मिल सकता है, तुम साबित करके बचाओ। अगर तुम बोलते हो कि जेब्रा डॉनिस भी अगर नेचर में कलरफुल मिलता है तो भाई वो भी नहीं मिलता है, जेब्रा डॉनिस मिलता है पर वो कलरलेस होता है, नेचुरल वाला देखो मैं दिखा रहा हूं, ये मिलता है, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं कि ये कहां मिलता है, कैसे रहते मिलते, पर ये नहीं मिलता, ग्लोफिश नहीं मिलता। ओवर क्राउडिंग को तो भाई बिल्कुल प्रमोट किए जा रहे हैं, ओवर क्राउडिंग पे बिल्कुल प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा वीडियो बना दो, एक टैंक है इसमें हजार फिशेज डाल दो, कोई भी वैरायटी चलेंगे, डालते जाओ, ग्लो फिश, टेट्रा फिश, जो वैरायटी फिश मिले उठा के घुसा के डाल दो टैंक में, क्योंकि भाई अब यूज कमाने से मतलब है, बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, चीज के जो मिलता है घुसाड़ो डालो फिश टैंक में, फिश टैंक नहीं है ना ये, फिश टैंक है क्या वो, फिश टैंक थोड़ी ना है, एक बड़ा सा डब्बा है, जो मच्छी जितना मच्छी डाल दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, और बन गए आप एक्वेरियम हॉबीज बड़े वाले, देखो यार सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती, ठीक है। सीखना चाहते हो तो सही चीजों को सीखो, गलत चीजों को प्रमोट करना देखना बंद करो, इससे हमारा एक्वेरियम हॉबी खराब हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। देखो यार पहली चीज, मैंने को जो भी चीज था, मैंने फैट जो भी चीज थी बता दिया, जिसको जो लगता है वो सोचो, जिसको लगता है भैया अगर तुमको कोई और भी चीज सीखना है एक्वेरियम हॉबी से, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, उसी के साथ में और भी हॉबीज थे इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखो, एक्वेरियम हॉबी सीखो, देखो जो आप सीखोगे ना सीखने पे ज्यादा ध्यान दो, अगर आपको लगता है कोई आपको कुछ बता रहे ना तो जाओ
ऐसा मत जाओ, जाओ इंटरनेट पे, इंटरनेट आपके पास में आज के डेट में, इंटरनेट आपके पास में 5G चलता है आज के डेट में, 4G 2G भी नहीं चलता है, बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता है। इंटरनेट का यूज करो ना, जाओ सर्च करो यहाँ पे, देखो वो फिश कहाँ मिलता है, कहाँ से आता है, कैसे रखा जाता है, क्या चीजें होती है। टैंक में एक फिश टैंक में कितना फिश रखता है आपको ये भी नहीं पता होगा, 2 फीट के टैंक में कितने फिश रखता है आपको वो भी नहीं पता होगा। जाओ सर्च करो, देखो हर कम्युनिटी की फिश अलग रखी जाती है। कम्युनिटी फिश बनाना है तो उसके लिए अलग से फिशेज चूज की जाती है, पर यहाँ पे कोई आइडिया, कोई सेंस नहीं बनता है फिशेज को इतना यह रखने का। देखो क्या मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, तो हाँ कड़वी है बट सच है। ठीक है, आज का वीडियो बस यार इतना ही था, इसके ज्यादा मैं और नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा सर दुख गया इसके बारे में बोल बोल के। मैं बोलना चाहूँ तो बहुत बोल सकता हूँ और वीडियो 1-2 घंटे का बना सकता हूँ इसके बाद पे, वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा, वीडियो खत्म नहीं होगा इस पर बात करने बैठूंगा तो ये चीज करना बंद कर दो। ठीक है, और पेट्समैन के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में, यार पेट्समैन देखो तुम जो भी कर रहे हो ये चीज करना बंद कर दो। अगर एक्वेरियम हॉबी करनी है तो सही से करो, नहीं तो अपने चैनल बंद कर दो। ईमेल भेजा था इसीलिए, ईमेल भेजा था कि पहले ये चीज आके क्लियर करो, पर नहीं कोई मतलब नहीं है क्योंकि भैया घंटा फर्क पड़ रहा है, एक्वेरियम हॉबी तो खराब हो रही है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, हॉबी बचे तो यार प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मेरे जो ऑडियंस है जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे कैसे कंटेंट बनाता है। गलत चीजों को तो यहाँ पे पहले भी प्रमोट नहीं करता हूँ ना आज भी करूंगा। ठीक है, ये चीज टोटली रॉन्ग हो रही है तो ये चीज को बंद कर दो। मैं मिलूंगा इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा बात नहीं करेंगे यार, सर दुख जाएगा तो फिर बाद में मुझे गोली खाना पड़ जाएगा। बाय बाय, ज्यादा नहीं बात करेंगे, बहुत हो गया, बहुत बात की, बहुत ऐसा बात नहीं कर सकते। जिस जिसको लगता है नहीं सच में अगर बचा नहीं है तो यार ऐसी चीजें वो चुतिया पे करना बंद करो, सही चीजों को देखना शुरू कर दूंगा तो अपने आप ही हो जाएगा। और भी चीज देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ रहेगा क्वेश्चन या कमेंट करो जो भी आपको लगता है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलो।